हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे चले चलो, टूट गई जो उंगली उठी पाँच मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे चले चलो। कोई न अब रोके तुझे टोके तुझे तोड़ दे बंधन साथ, मिला है क्या हो के तुझे निर्बल तू ही बता, कभी ना दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, राजा है क्या परजा है क्या हो, हम जग बिछाएंगे अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा है क्या हो, अब डर नहीं मन में आवे चले चलो चले चलो, हर पेड़ी अब खुल जावे चले चलो, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। चिंगू मिंगू कमाल कर दिया आपने अनुजी, I loved it। चैंग, तुम्हारे एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगे, योर थ्रो ऑफ वॉइस वाज वेरी पावरफुल, सब कुछ ठीक था चैंग, सुर में जरा गड़बड़ थी, दिल को छूता नहीं था। मैं अनुजी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, थैंक यू, दैट वाज अ डिवाइन परफॉर्मेंस। अलीशा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अलीशा, आप ये गाना फिर सुनना अच्छी तरह, शायद आप ये कान को ज्यादा ही बज रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आप ये गान बजने लग गए हैं, अच्छा नहीं, नहीं, हो सकता है आपको आज आपके कान बजने लगे हैं, आप इतनी तारीफ कर रही है तो आपकी सुर की समझ कहाँ चली गई, भगवान ही जाने। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द अदर्स फील, बट चिंगू मिंगू वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हियर वी गो, उदित जी क्या कहते हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन आइडल के लिए बहुत जबरदस्त फाइटिंग होने वाली है, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाए। अनिल, मैं अलीशा जी से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं जो अलीशा जी ने कहा है, बिल्कुल अनु जी ने सही कहा कि व्हाट आई कुड फील दैट ही हैज द पोटेंशियल, ही इज गॉट एवरीथिंग इन हिम, बट ही वाज डेफिनेटली एक आध जगह सुर छूटा है, जो आपकी प्रेजेंस है जो आपके लुक्स हैं, यू गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर यू, अगर आप थोड़ी और मेहनत करें सिंसियरली काम करें तो यू कैन बी द इंडियन आइडल। चैंग, आपकी आवाज में जो क्लैरिटी है और आपके तलफ्फुज़ उच्चारण में जो क्लैरिटी है वो बहुत कम दूसरे सिंगर्स के पास है जितनी आपके पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गाने की चॉइस में आपने गलती की, ये गाना सोलो गाना है ही नहीं, इसमें कोरस भी है और इसमें रहमान के साथ एक और सिंगर ने भी गाया है, तो जब एक ऐसा गाना जो कि कोरस और दो सिंगर्स ने गाया था उसकी पूरी जिम्मेदारी आपने ले ली, तो आपकी सांस के ऊपर बोझ तो आना ही था, ये कोई भी आदमी जो सिंगर है अकेला इसे पूरा सुर में गा ही नहीं सकता। कमाल की बात यह है कि हमारे दो सिंगर जो हैं उन्हें इस बात का पता नहीं चलता, अच्छी बात है कि जब ये गाते हैं तो एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठा होता है। मैं आपको बताऊं, एक्सक्यूज मी, जावेद साहब कह रहे हैं कि सांस की कमी थी आप में,
मगर अगर आप इंडियन आइडल बनना चाहते हैं तो अच्छा कि आपने ये सारी बोझ उठा के आपने दिखाया और सुनाया लोगों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।